अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जैसे आप जानते हैं मैं मुबीन फारूकी मुस्लिम फेडरेशन पंजाब का प्रेसिडेंट भी हूं, और आसिफा केस में जैसा भी मेरा जो भी मुझसे बन पाया, मैंने इंसाफ दिलाने के लिए जो भी कोशिश की उसका मुझे इनाम मिल रहा है। यहाँ पे पंजाब में आपको पता है किसकी सरकार है, और यहाँ पे मेरे ख़िलाफ़ आज एक झूठा पर्चा दर्ज कर दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि इंसाफ दिलाने वाले को आज खुद बेइंसाफी हुई है मेरे साथ, और मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कि मैंने किसी के घर पर जाके रात को किसी के हमला कर दिया। जबकि जिस शख्स की तरफ से कंप्लेंट दी गई है वो लगातार 14 तारीख से मेरे एक ग्रुप बना के मुझे ऐड करके लगातार गालियां दे रहे हैं, जिसकी कम से कम 200 रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, और मैंने वो लगा के पुलिस को 20 तारीख को एक कंप्लेंट दी थी कि सर ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं। मगर उस कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लोकल DSP मलेरकोटला को मैंने दरखास्त दी थी, मैंने SSP संगरूर से भी बात की थी, उसके बावजूद मेरी दरखास्त पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास वो सारे सबूत पड़े हैं जो उन्होंने मुझे गालियां दी, मुझे धमकियां दी, मुझे मेरे ऊपर पता नहीं कैसे कैसे फॉल्स एलिगेशन लगाए बिना किसी सबूत के। और उसके बाद अब इतनी नाजायज होगी कि इन्होंने आगे जब बढ़ते रहे, मुझे सबने समझाया कि आप बिल्कुल इनको रिप्लाई नहीं करेंगे, तो मैंने उनको बिल्कुल जवाब देना बंद कर दिया। तो उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इनके पीछे जो सियासी ताकतें हैं आपको वो भी आपको पता, जो इस साजिश के पीछे जो सियासी ताकतें हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह, वो भी आपको जल्द पता चल जाएगा, वो भी मैं सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह। और इन्होंने जब मुझे लगातार गालियां देनी शुरू कर दी तो मैंने जो कंप्लेंट SSP साहब को मैंने पहले इन्फॉर्म किया, और उसके बाद यहाँ मलेरकोटला DSP साहब को मैंने कंप्लेंट दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन लोगों के इतने हौसले बुलंद हो गए, इन लोगों ने लगातार मुझे उसके बाद भी धमकियां दी कि ऐसी दरखास्तों का हम कुछ नहीं समझते, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ बैनर छपवा के, पोस्टर छपवा के शहर में लगाने की कोशिश की। तो 10:30 की बात है 22 जून की, तो मैंने सबसे पहले SSP संगरूर साहब को फ़ोन किया, जो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे लोकल SP साहब और DSP साहब से मेरी बात हुई कि ये लोग मुझे इतने दिन से परेशान कर रहे हैं, आपने कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ, और आज ये इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि ये मेरे खिलाफ यहाँ पे झूठे इल्ज़ाम लगा के पोस्टर लगाने लगे हैं। तो मैं, यानी कि वो पोस्टर उतारने के लिए आपकी मदद चाहिए, आप पुलिस भेजिए। तो इन्होंने पुलिस फोर्स भेजी, पुलिस भी साथ गई और हम सब साथ गए। तो जिन लोगों के घरों के मोड़ के ऊपर, जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाए थे, उन लोगों की गली के मोड़ के ऊपर जो बैनर लगे हुए थे वो उतारे गए, और पुलिस उसके उस वक्त भी हमारे साथ थी। इसके बावजूद देखिए, इन्होंने ये एक गलत FIR हमारे ऊपर कर दी है दर्ज कि हमने किसी के घर पे जाके गुंडागर्दी की, जबकि जिसके घर के ये बात कर रहे हैं उसके घर में खुद कैमराज लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी गली के मोड़ पे कैमराज लगे हुए हैं। कहीं पे भी कोई बात, अगर उसने खुद मुझे, इन्होंने जो बात बनाई है कि 11 बजे हमने उसके घर पे गुंडागर्दी की है, 11:49 पे उसकी मुझे कॉल आई है बंदे की, जिसमें वो खुद मान रहा है कि हाँ कि वो घर पे नहीं है, और यानी कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है जहाँ पे, यानी कि लड़ाई झगड़े वाली जो एलिगेशन लगाए हैं वैसी कोई बात नहीं है, वो भी मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है। तो ये देखिए कि इस वक्त इन्होंने इतना ज़्यादा मुझे तंग परेशान किया है, इतना मेरी फैमिली को गालियाँ दी इन लोगों ने, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं सारे हिंदुस्तान से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, ख़ासकर मेरे जो भाई हैं, कि अगर इंसाफ दिलाने वाले लोगों के साथ ऐसी बेइंसाफी होगी, इन्होंने इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर इतना, मैं आप समझ नहीं सकते कि जिस दिन से इस केस का फैसला आया है कि मैंने क्या क्या सहा है। मेरे फैमिली तक को गालियां दी गई और मैं इतना परेशान हूँ। आज मेरे ऊपर इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के साथ इन्होंने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया, झूठा पर्चा दर्ज करवाया, सारे सबूत मेरे पास पड़े हैं और सारा कुछ मैं इंशाल्लाह साबित करूँगा।
और मेरे घर पे रेड करवाई है, मेरी फैमिली तक को इन्होंने परेशान किया है। पुलिस अभी जाके मेरे घर पे अकेले अकेले कमरे की तलाशी लेके मुझे एक जैसे बहुत बड़ा मैं क्रिमिनल हूँ, जैसे मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, एक बच्ची को इंसाफ दिला के मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, इस तरीके से आज यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और मैं हम सोचते थे कि हाँ कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, मगर यहाँ देखिए कि कौन लोग पीछे हैं इसके। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मगर इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे सारी बात। ठीक है कि कौन इतनी जल्दी 458 आईपीसी, ठीक है, ये लगाने से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है कभी, ठीक है, किसी के बयानों पे सीधा पर्चा नहीं दर्ज होता। इन्होंने 458 का पर्चा दर्ज कर दिया बिना सिर्फ एक बयान के ऊपर, बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना किसी की इंक्वायरी किए। ठीक है, और आज इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है, अगर आप सब लोग चुप बैठे रहेंगे तो कोई इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सारे भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे इंसाफ दिलाएं। कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है सेंटर में, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि यहां पे देखिए कि आपके बंदे क्या किस लेवल तक आ चुके हैं कि हमारे ऊपर ही पर्चा इन्होंने दर्ज करवा दिया। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जो जो लोग भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो पंजाब कांग्रेस के साथ कॉन्टैक्ट करें, उनसे पूछें कि ऐसे जब मैं इतने दिन से मैं रो रहा हूँ पीट रहा हूँ कि यार मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, मैंने सबको कहा, मैंने सबके सामने इल्तिजा की, ठीक है, मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, मेरे ऊपर इतने फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए कि जी मैंने पता नहीं क्या कर लिया, कहाँ से क्या, एक सिंगल आज तक ये मेरे खिलाफ एक सिंगल आज तक एक सबूत नहीं पेश कर सके हैं, और उसके बावजूद मैं सब कुछ सहता रहा, अपने ऊपर सहता रहा कि नहीं चलो कोई बात नहीं, जो बोलते हैं ये साजिश है कोई बात नहीं, चुप हो जाएंगे। मगर ये साजिश इतनी बड़ी हो चुकी है, अभी मेरे खिलाफ इन्होंने पर्चा दर्ज करा दिया, मेरे घर पे पुलिस भेज के, ठीक है, मेरी फैमिली को परेशान किया जा रहा है। और मैं गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको पता चले, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को पता चले कि यहाँ पे क्या हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे क्या हाल है, ठीक है, किस तरीके से किसी बंदे को कितना परेशान किया जा रहा है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये फलां फिरका परस्त पार्टियां हैं, ये फलां, ठीक है, वो तो मेरे दुश्मन हैं ही, वो तो जिन्होंने, ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं है, आज भी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं जेल जाने का, मैं जाऊंगा यहां से सीधा, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मुझे किसी को और हेलो, मैं यहां लोकल SHO को मैं बोलना चाहता हूं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूं, मुझे करो सजा दो, मुझे, मैं मुजरिम हूं, मैं अपनी कौम के लिए लड़ा हूं, मैं उस बच्ची के लिए लड़ा हूं, मैं मुजरिम हूं, ठीक है, इस मुल्क में इंसाफ के लिए लड़ना जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, आपको झूठे पर्चों में फंसाया जाएगा। SHO साहब, मुझे ये बताओ कि जिस दिन का ये आपने FIR कर दी है, मैं आपके पास बैठा था 11:30 बजे, तो मैं आपके पास बैठा था, तो 11 बजे कैसे हमला हो गया, पुलिस आपकी मेरे साथ थी, क्या पुलिस ने साथ जाके हमला करवाया? SSP साहब संगरूर से मैं पूछना चाहता हूँ, 10:30 बजे मैंने आपको कॉल की है, सर कि ऐसे ऐसे करके मेरे नाम से बिना नाम लिखे, जो कि जुर्म है, बिना किसी रेफरेंस लिखे, बिना किसी नाम को लिखे, मेरे खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं कुछ बंदे, शरारती बंदे, ठीक है, जो किसी की शह पे ये मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो आपने, ठीक है, पुलिस साथ भेजी है, तो क्या पुलिस ने साथ जाके हमला करवा दिया? 458 किसी के घर पे फौजदारी पुलिस मेरे साथ साथ जा रही है, पुलिस ने मेरे साथ जाके यानी कि हमला करवा दिया, आपका कहने का मतलब ये है, आपने जो पर्चा दर्ज किया। सर मैं पूरे हिंदुस्तान को ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे जो इतना जुल्म हुआ है मेरे साथ, उस सबके लिए आवाज़ उठाएं, अगर इंसाफ को जिंदा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि उस बच्ची का अभी इंसाफ मिला नहीं है, उस बच्ची को, उस फैमिली को इंसाफ नहीं मिला है, अभी जो दोषी बच्चे हैं, ठीक है, जो जिनको सज़ा नहीं मिली है या जिनको कम सज़ा मिली है, उनके खिलाफ भी हम अपील में जा रहे हैं, इन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने के लिए सिर्फ, ठीक है, मुझे फॉल्स केस में इन्होंने, ठीक है, इन्वॉल्व किया है। मेरी गुजारिश है, मेरी सीनियर कांग्रेस लीडरशिप से गुजारिश है कि आपकी सरकार है यहाँ पे पंजाब में, और आपकी सरकार होते हुए यहाँ पे मेरे साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई है, इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई है, एक एक सबूत अगर मैं साबित ना कर सकूँ, मैं चौंक में खड़ा होकर मुझे गोली मार देना, ठीक है, अगर मेरा एक कहीं पे एक भी कसूर हुआ, सब मैंने दरखास्तें, लीगल कार्रवाई मैंने शुरू की हुई थी, मैंने दरखास्तें दी हुई थी, ठीक है, कि ऐसे ऐसे ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, ठीक है, मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पड़ी हैं, ऑडियोज पड़ी हैं जो उन्होंने भेजी हैं मुझे, उसके बावजूद मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता रहा, मैंने सबको इन्फॉर्म किया, ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने देखिए कि कैसे साजिश एक चाल के तहत, और ठीक है, किसकी इन्वॉल्वमेंट से ये पर्चा दर्ज हुआ है, बस वो मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है,
मुझे मार देना कोई इशू नहीं है, मुझे उठा लो, मुझे मैं आ रहा हूँ, अरेस्ट कर लो, मुझे मारना पीटना जितना जुल्म हो सकता है। अगर मैं जिंदा बच गया तो इंशाल्लाह ताला मैं निकलूंगा बाहर और मैं सबका बताऊंगा कि किस किस बंदे की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे पर्चे नहीं दर्ज होते, मेरी भी कंप्लेंट्स पड़ी हैं वहाँ।